ललितपुर के मेहरौनी में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बिजली में बड़े दामों को वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन उपजिला अधिकारी को सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन ने ज्ञापन में मांग की है कि हाल ही में बढ़ाए गए बिजली के दामों को वापस लिया जाए, साथ ही जिले को सूखा घोषित किए जाने सहित बिंदुवार 11 मांगे भानु द्वारा की गई हैं। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की। किसानों ने मांग की है कि जिले के विभिन्न बांधों के किसानों का पानी बजाज पावर प्लांट को देने से तत्कालीन रोक लगाई जाए और उक्त पानी को किसानों की सूख रही फसलों को उपलब्ध कराई जाए। ज्ञापन सुनील शर्मा, ठाकुर जाहर सिंह बघेल के नेतृत्व में दिया गया। इस मौके पर गोलू पांडे, निशांत जैन, अनिल शर्मा, दशरथ सोनी, अखिलेश मलिया, बंटी सोनी, हरि सिंह सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आम आदमी के लिए 50% से लेके 150% तक विद्युत के दाम बढ़ा दिए हैं। पूरा समूचा बुंदेलखंड सूखे से प्रभावित है। सारा पानी पावर प्लांट को दिया जा रहा है, किसानों के लिए एक बूंद पानी नहीं है। किसानों का कर्जा सिर्फ जुमला है, किसी का 1 रुपया माफ हुआ है, किसी का 100 रुपया माफ हुआ है। पड़े हुए बिजली के दाम वापस लिए जाएं, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए, जो प्लांट जो बांध बनाए गए हैं उनका सारा पानी किसानों को दिया जाए, पावर प्लांट के लिए व्यवस्था अलग से कराए सरकार। किसको ज्ञापन सौंपने का? ये मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन है और उपजिलाधिकारी महोदय मेहरौनी के यहाँ दिया जा रहा है। न्यूज बुंदेलखंड के लिए मेहरौनी से अंशुल दुबे की रिपोर्ट।